नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा के बारे में पूरा डिटेल दोस्तों, कि तिर्यक छेदी बनता कैसे है और उससे कैसे क्वेश्चन आता है, वो सभी को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तिर्यक छेदी रेखा को जानने के लिए दोस्तों, हम लोग को कुछ इस टाइप से दो लाइन खींचना पड़ेगा, लाइन नंबर एक और लाइन नंबर दो, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। और इसके बीच में एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। चलिए, ये वाला लाइन जो है उसका नाम मैं दे देता हूँ ए और बी। इसका नाम है ए और बी, इसका नाम है सी और डी, और ये एक लाइन है तिर्यक छेदी रेखा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में भी एक बार, फर्स्ट वीडियो में बनाया था, उसमें मैं बताया था इसके अंदर आठ ठो कोण बनता है। एक नंबर का कोण, दो नंबर कोण, तीन नंबर कोण और चार नंबर कोण। इसी टाइप से यहाँ पे पाँच, छ, सात और ए आठ, आठ कोण यहाँ पे बनते हैं। कुछ कुछ इसमें प्रमुख बात है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बोलूँ सिरसाभिमुख कोण, सिरसाभिमुख कोण। तो दोस्तों, सिरसाभिमुख कोण देखिएगा कौन कौन सा होता है। तो कोण नंबर दो सिरसाभिमुख है कोण नंबर चार के, कोण नंबर दो कोण नंबर चार के सिरसाभिमुख है। क्यों है? क्योंकि इसी टाइप का क्रॉस यहाँ पे बना है, तो हम लोग ये और ये, इन दोनों का मुंह एक ही तरफ है, इस कारण से ये और ये दोनों का मुंह एक तरफ है, इसलिए ये दोनों को हम लोग सिरसाभिमुख कहते हैं। दो और चार एक दूसरे के क्या हैं, सिरसाभिमुख हैं। एक और तीन सिरसाभिमुख हैं, छः और आठ सिरसाभिमुख हैं, पाँच और सात सिरसाभिमुख हैं। चलिए, यहाँ पे बिल्कुल टाइम पास नहीं करूँगा मैं, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। सिरसाभिमुख मेरे को क्यों बताना पड़ गया, क्या जरूरी है, इसलिए बताना पड़ा दोस्तों क्योंकि ये दोनों सिरसाभिमुख का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसका मान 30 डिग्री दिया है तो हम लोग का इसका मान भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका मान मान लीजिए 60 डिग्री दिया है तो इसका मान भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग सिरसाभिमुख हैं, और क्या, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल दो लाइन खींचा हुआ है, इस कारण से, समझ गए। सिरसाभिमुख एक दूसरे के बराबर कोण होते हैं, इतना चीज नोट करिएगा। सिरसाभिमुख किसको कहा जाता है, आमने सामने वाले को सिरसाभिमुख कहा जाता है, नोट करिएगा। और इन दोनों का मान हमेशा बराबर होते हैं। चलिए, पहला पॉइंट तो हो गया सिरसाभिमुख। दूसरा नंबर होता है संगत कोण, संगत कोण। तो दोस्तों, संगत कोण किसको कहा जाता है, देखिएगा। संगत कोण यहाँ पे कोण नंबर एक का संगत अगर मैं बताऊँ तो इसका मुंह इधर खुल रहा है, इस पांच वाले का भी मुंह इधर खुल रहा है। तो एक और पांच जो है कोण है, वो एक दूसरे के संगत कोण हैं, ठीक है। और ये दोनों का मान भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोण नंबर एक का मान दे दिया 50 डिग्री तो हम लोग मान सकते हैं कि पांच नंबर जो कोण है उसका मान भी 50 डिग्री ही होगा। चलिए, एक कोण जो है पांच के संगत कोण है, और कोण नंबर दो जो है वह किसका संगत है, कोण नंबर छः, क्योंकि इधर मुंह खुल रहा है, इसका भी इधर मुंह खुल रहा है। तो ये दोनों संगत कोण हैं। यहाँ पे लिखूँ क्या, कोण नंबर एक जो है किसका सिर संगत कोण है, तो कोण नंबर पाँच के। कोण नंबर दो जो है वह किसका संगत है, कोण नंबर छः के, नोट कर लीजिएगा। कोण नंबर जो है चार जो है, कोण नंबर चार जो है किसका सिरसाभिमुख है, कोण नंबर आठ के।
ठीक है। कोण नंबर तीन किसका शीर्षाभिमुख है? कोण नंबर तीन किसका शीर्षाभिमुख है? तो कोण नंबर सात के। और ये सभी का मान, अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा। यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो, जितने भी संगत कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख पहले बताया, अभी संगत कोण बता रहा था, तो कौन कौन सा संगत कोण है यहाँ मैं बताया, और सभी का मान हमेशा बराबर होते हैं। सभी का मान बराबर नहीं होते हैं, जैसे एक का जितना होगा उतना पाँच का होगा, दो का जितना होगा उतना छः का होगा, चार कोण का जितना होगा उतना आठ का होगा, तीन कोण का जितना होगा सात कोण का उतना ही होगा। समझ गए क्यों होगा? क्योंकि ये दूसरे के संगत कोण हैं, इस कारण से। अब अगला आता है एकांतः अंतः कोण, ए कानतर, एकांतर अंतः या बाह्य कोण, यहां तक दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। एकांतर अंतः और बाह्य, अब अंतर और बाह्य को पहले समझ लेते हैं। ये जो रेखा है ये समांतर रेखा है, इस रेखा के अंदर जो भी बना हुआ है, मतलब चार तीन पाँच और छः, ये क्या है? अंदर के कोण है, अंदर में बना हुआ है, इसलिए अंतः कोण कहते हैं। जबकि बाहर का कोण कौन कौन सा है? एक और दो और आठ और सात बाहर का कोण है, बाह्य कोण है, इसलिए बाह्य कोण कहते हैं। अब देखिएगा एकांतर कौन कौन सा होगा, तो चार एकांतर होगा छः का, चार एकांतर होगा छः का होगा, मतलब जहाँ पे ऐसे जेड जैसा बनेगा, यहाँ क्या है चार है और यहाँ क्या है छः है, तो एक दूसरे के एकांतः अंतः कोण है, क्योंकि अंदर अंदर में बना हुआ है इस कारण से। समझ गए। और यहाँ पर दो जो है एकांतर होगा पाँच का, मतलब उल्टा जेड इसी को मैं बना दूँ ऐसा, यहाँ कौन सा है तीन है और यहाँ है पाँच, तो इन लोग क्या है एकांतर कोण है, और इनका मान भी हमेशा बराबर होगा एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होगा। और एक का एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा सात, और दो का एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा आठ हो जाएगा, इन दोनों का भी मान बराबर होता है, इन दोनों का भी मान हमेशा बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और मैं समझा देता हूँ दोस्तों इस पूरे को, ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसके बाद मैं अगला कुछ बताऊँगा। अब एक चीज और नोट करिएगा दोस्तों कि अंदर अंदर वाले जो है ये त्रियक छेदी रेखा जो है उसके अंदर अंदर में जो बने हैं और एक ही तरफ बने हुए हैं, मतलब कोण चार और कोण पाँच की बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइन जो है त्रियक छेदी रेखा के इस तरफ बने हुए हैं और अंदर में हैं, तो इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री का कोण मानते हैं, मतलब इन दोनों का कोण नंबर चार और कोण नंबर पाँच का योग करेंगे तो 180 डिग्री बनता है। उसी टाइप से इस रेखा के इस तरफ जो और अंतः अंतः वाले अंदर अंदर वाले को देखेंगे, कोण नंबर तीन और कोण नंबर छः का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद बाह्य को देखेंगे, एक ही तरफ बनना चाहिए, तो कोण नंबर दो और कोण नंबर सात जो है, ये कोण नंबर दो और कोण नंबर सात का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। कोण नंबर एक जो है एक ही तरफ है और कोण नंबर आठ एक ही तरफ है और बाह्य बाह्य हैं दोनों, तो इनका योग कितना होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। समझ गए, समांतर रेखा रहेगा ये वाला। तो चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत फास्ट बता दिया था। शीर्षाभिमुख कोण, सबसे पहले कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो दोस्तों आमने सामने का जो रहता है, मतलब दो के सामने कौन है चार, तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं और इनका मान हमेशा बराबर रहता है, मैं पहले बताया।
ठीक है। इसके बाद अगला सिरसाभिमुख कौन है? तीन और एक सिरसाभिमुख आमने सामने, इसका मुख भी इधर, इसका मुख भी इधर है, तो आमने सामने के हैं तो इन लोग बराबर होंगे। किस स्थिति में बराबर होंगे? जब ये समांतर होगा तब, समांतर रेखा लिखा होगा परीक्षा में तो ही इन लोग सिरसाभिमुख जो है, वैसे तो सिरसाभिमुख दोनों कंडीशन में अगर ये समांतर हों या फिर समांतर न हों, सिरसाभिमुख का मान हमेशा बराबर ही रहता है। और आगे मैं बोला कि सिरसाभिमुख सात का सिरसाभिमुख कौन हो जाएगा? पाँच, इन लोग का मुख एक ही तरफ है तो इनका मान भी बराबर होगा सात और नौ का। और सिरसाभिमुख छः और सिरसाभिमुख आठ जो हैं उनका मान भी हमेशा बराबर होगा। सिरसाभिमुख समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बोला संगत कोण, तो संगत कोण में बोला कि दो है, इसका मुंह इधर है और इधर छह जो है, इस छह का भी मुंह इधर है, इस तरफ खुला है, इस तरफ खुला है, दो और छह का, तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के संगत कोण हैं, तो इस दोनों संगत कोण का मान हमेशा बराबर होगा दो और छः का। कोण नंबर दो और कोण नंबर छः का हमेशा मान जो है बराबर होंगे। उसी तरह से कोण नंबर एक और कोण नंबर पाँच का मान हमेशा बराबर होंगे। कोण नंबर चार और कोण नंबर आठ का मान हमेशा बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। कोण नंबर तीन और कोण नंबर सात का मान भी हमेशा बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं? संगत कोण हैं। चलिए इसके बाद मैं बोला दोस्तों एकांतर अंतः कोण या फिर एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण या फिर एकांतर बाह्य कोण। तो अंतः कोण किसको कहा जाता है? जो इस दोनों लाइन के अंदर में जो कोण बनता है, कोण नंबर चार और कोण नंबर तीन, उसी टाइप से कोण नंबर पाँच और कोण नंबर छः, ये चारों जो है क्या हैं? इन लोग अंतः कोण हैं, अंदर के कोण हैं। जबकि बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा? एक और दो, और बाह्य कोण आठ और सात हो जाएगा। तो मैं बोला एकांतर, तो दोस्तों एकांतर का मतलब होता है, अगर बोले कि एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर अंतः कोण अंदर अंदर में बनने वाला एकांतः कोण कौन सा हो जाएगा? कोण नंबर चार और कोण नंबर छः, मतलब इधर जेड टाइप से जो बनता है, इस टाइप से जो बनता है उसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। कोण नंबर चार और कोण नंबर पाँच एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि एकांतः अंतः कोण हैं। उसी टाइप से उल्टा जेड में बनाया था, एक वीडियो में भी बताया था, उल्टा जेड भी बनाया तो कोण नंबर तीन और कोण नंबर पाँच, कोण नंबर तीन और कोण नंबर पाँच जो है एकांतः अंतः कोण हैं। इस कारण से इन लोग हमेशा बराबर होंगे, इनका मान कोण नंबर तीन और कोण नंबर पाँच का बराबर होगा। उसी टाइप से एकांतर बाह्य कोण कौन कौन सा हो जाएगा? तो कोण नंबर दो और कोण नंबर आठ जो है इनका मान हमेशा बराबर होगा। कोण नंबर एक और कोण नंबर सात का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। और दोस्तों अगला पॉइंट में आप लोग को बताया कि कोण नंबर चार और कोण नंबर पाँच अंदर अंदर में बने हुए हैं और इस रेखा के एक साइड हैं, तो उनका योग 180 डिग्री होता है हमेशा से। और कोण नंबर तीन जो है और कोण नंबर छः जो है उनका मान भी हमेशा जोड़ने से, कोण नंबर तीन और कोण नंबर छः को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होगा। उसी तरह से बाहर में भी देखेंगे तो कोण नंबर दो और कोण नंबर सात को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होगा, और कोण नंबर एक और कोण नंबर आठ को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होगा। समझ गए? ये तो आप लोग समझे कि जब समांतर लाइन होगा तब। अब देखिएगा कि समांतर लाइन नहीं होगा तो क्या होगा? ये लाइन अगर समांतर नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिएगा मैं बनाता हूँ। दो लाइन खींचते हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर इस बार नहीं हैं क्योंकि एक ठो ऊपर जा रहा है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसका नाम दे दिए, ये सी और डी हो गया और एक लाइन ये हो गया। ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। मैं बोला कि इसमें कोण कितने बनते हैं? आठ कोण बनते हैं।
एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, सात नंबर और आठ ठो कोण बनता है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले बोला दोस्तों कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण मैं पहले भी बताया कि ये चार जो है दो का शीर्षाभिमुख है, एक जो है वह तीन का शीर्षाभिमुख है, छः जो है आठ का शीर्षाभिमुख है, पाँच जो है सात का शीर्षाभिमुख है। तो ये जो रेखा जो है वह समांतर रहे, पैरलर रहे, चाहे ना रहे, शीर्षाभिमुख हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब मैं बोलूं कि दो कोण नंबर दो हमेशा बराबर होगा कोण नंबर चार की। अगर इसका मान 20 डिग्री दिया है तो इसका मान भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख हैं। इतना समझ गए। यहाँ भी देखूँ तो छः और आठ शीर्षाभिमुख हैं एक दूसरे के, तो इनका मान भी बराबर होगा। कोण नंबर पाँच और सात भी शीर्षाभिमुख हैं, तो इनका मान हमेशा बराबर होगा, समांतर रेखा हो या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बोला संगत भुजा, अरे संगत कोण, संगत कोण। तो दोस्तों संगत कोण कौन कौन सा होता है, ये जो है इधर इधर मुंह किया है और ये वाला भी इधर मुंह किया है, तो कोण नंबर एक जो है संगत होंगे, संगत हैं कोण नंबर पाँच के। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे समांतर लाइन नहीं है, इस कारण से दोनों संगत जो है बराबर नहीं होंगे, क्योंकि समांतर नहीं है, इस कारण से संगत कोण जो है बराबर नहीं होंगे। अगर पैरेलल रहता ये दोनों लाइन तो हमेशा बराबर उनका मान रहता, इतना याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला आता है एकांतः अंतः कोण। क्या बोला, एकांतर अंतः या बाह्य। तो अंतः और बाह्य कई बार बता चुका कि इसके अंदर जो बनेगा अंतः कहलाएगा, इसके बाहर में जो बनेगा वो क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। अंतः कोण कौन कौन सा हो जाएगा, तो चार और छः एक दूसरे के अंतः कोण हैं। कौन कौन सा, चार नंबर, कोण नंबर चार और कोण नंबर छः क्या हैं, एक दूसरे के एकांतः अंतः कोण हैं। उसी टाइप से कोण नंबर पाँच और कोण नंबर तीन जो है एकांतः कोण है, कोण नंबर तीन और कोण नंबर पाँच जो है एकांतः अंतः कोण है। और अगर एकांतः बाह्य कोण बोलूं तो कोण नंबर एक और कोण नंबर सात जो है वह क्या है, बाह्य कोण है, एकांतः बाह्य कोण है। और कोण नंबर दो और कोण नंबर आठ जो है वह एकांतः बाह्य कोण है। लेकिन इस कंडीशन में जब ये पैरेलल नहीं है, समांतर लाइन नहीं है, तो एकांतः अंतः कोण हो या फिर एकांतः बाह्य कोण हो, बराबर नहीं होंगे। समझ गए, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला कंडीशन है दोस्तों, ये जो है इनका एक तरफ वाला, एक तरफ जो कोण बनता है वो भी बराबर नहीं होंगे। एक तरफ जो कोण बनता है, यहाँ पे अंतः कोण और अंतः कोण इस लाइन के इस तरफ बना है, इस लाइन के इस तरफ जो दो ठो कोण बने हैं, इनका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये समांतर कोण, ये समांतर रेखा नहीं है, पैरेलल रेखा नहीं है इस कारण से। तो दोस्तों ये तिर्यक छेदी रेखा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में मैं और कुछ नया लेकर आऊँगा।